ये है पतलीकूल का फ्लाईओवर, तो इस पर देखिए कितना पानी आया हुआ है। यहाँ पे कोई नदी या नाला नहीं है, ये सब बारिश का पानी है। तो इसके बाद देखिए जो पतलीकूल बाजार है, बाजार में से पानी बीच में से चला हुआ है, तो देखो कैसे दिक्कत आ रही है। और ये देखिए पानी ही पानी, और ये हमारा कोल्ड स्टोर, और ये एक ग्राउंड था यहाँ पे, जो जहाँ पे मंगलवार मार्केट लगती थी, पूरा ग्राउंड चला गया है। तो इसके बाद हम चल रहे हैं पतलीकूल से कटराई की तरफ। तो ये देखिए बीच में पानी पानी, नाले ही नाले आ रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत। और ये है कटराई जो बाजार चौक आता है बीच में, तो वहाँ पे भी देखिए कैसे लोग पानी को क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए खेतों में पानी ही पानी, सब ये सेब के बगीचे हैं, सब पानी में डूब चुके हैं, और सड़कों पर पानी ही पानी है, बहुत ही बुरी हालत, जनजीवन अस्त व्यस्त। ये देखिए हर जगह पानी ही पानी, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए घरों में पानी घुसा हुआ है, दहलू नाला की तस्वीर है ये। तो अब हम आगे चलते हैं टोल प्लाजा की तरफ। ये देखिए ब्यास नदी का कहर, ऐसा लग रहा है जैसे अपने रौद्र रूप में है। और यहाँ आगे देखिए टोल प्लाजा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए आगे हम नहीं जाएंगे। ये देखिए किस तरह से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पानी में जो है आपका मलबा आया हुआ है, सड़कों पर पत्थर गिरे हैं, मिट्टी गिरी है। और ये हमारे गांव के साथ वाले नाले की तस्वीर है। और ये वाला जो चित्र आपने देखा होगा पहले ही, ये वीडियो आपने पहले ही देखी होगी शायद, ये आपके आलू ग्राउंड की है, जो मंडल से 7-8 किलोमीटर कुल्लू की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीच से ही नदी आई है, बीच बाजार से। ग्रीन टैक्स बैरियर आपने देखा होगा, ये वहीं की तस्वीर है। बहुत ही बुरी हालत, इस बाजार को दोबारा बसने में अब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बिल्डिंग जो है भुंतर में गिरी थी, देखिए किस तरह से लोगों के आशियाने उड़ गए। और ये जो वीडियो है ये आपकी अखाड़ा बाजार के पास जो ब्यासा मोड़ है, वहाँ पे एक पार्किंग थी, पार्किंग में से ये गाड़ी गई। किस तरह गाड़ियाँ तैर रही हैं, और ये देखिए नाले कैसे अपने रौद्र रूप में हैं। इस साल जो ये जो नुकसान हुआ है, ये बहुत ही बुरी हालत। ये देखिए बंजार बीज जो कि और से लगा हुआ था, ये बहुत ही पुराना बीज था बंजार का। ये जो और से बंजार को मिल आता था वो वही ब्रिज है, किस तरह से बह गया। ये सड़क मनाली की है, मनाली के पास जो न्यू हाईवे बना था वही है ये।
यहाँ से भी संपर्क टूट चुका है। और ये तस्वीर जो है कसोल की है, गाड़ियों में ही कुछ लोग रह गए थे और वहाँ पे क्या हुआ कि नाला आ गया और कुछ लोग फंसे रह गए, कुछ लोग बाहर निकल गए। बहुत ही भयानक तस्वीर। बाहर निकलेगी तो कैसे, पानी ही पानी हर जगह है। राइसिंग के पास सड़कों पर पत्थर ही पत्थर गिरे हैं। ये जो है ये है आपका क्लास के पास, जो दूसरी साइड जाने के लिए जो रास्ता था, पुल था, उसका दृश्य है ये। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि हे भगवान, दूसरी बार ऐसी त्रासदी ना आए।